तो सर आज यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा, आपके प्रशंसकों का, कितना अच्छा लग रहा है इस अवसर पर। आज बहुत सारे लोग अपना आशीर्वाद और प्यार देने आए मुझे मेरे जन्मदिन पर। मैं सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। और परमात्मा की, भगवान की अपरंपार कृपा है कि इतने लोग अपने परिवार का बेटा मुझे मानते हैं और इतना प्यार कर रहे हैं। स्वराज मीडिया की टीम की तरफ से भी आपको जन्मदिवस की बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो 2015 में हमारी ये जो बिटिया है तो ये बेबी मफरमैन बनी थी, और सेम बिल्कुल इसी तरीके से जैसे 2020 में हुआ था, सेम इसी तरीके से 2015 में भी हमारी बिटिया के साथ हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया। इस समय हम मौजूद हैं राजेंद्र प्लेस में, जहां पर स्थानीय विधायक और आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े चेहरे राघव चड्ढा जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे की ओर और स्टेज पर भी कि यहां पर उनके जो प्रशंसक है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका जमावड़ा लगा हुआ है। विधायक जी केक काट कर अपने प्रशंसकों के बीच यहाँ पर उनका उनसे सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि उनको पगड़ी पहनाकर, माला पहनाकर सम्मानित किया गया है। स्टेज पर एक बहुत ही भारी भीड़ उनके कार्यकर्ताओं की, प्रशंसकों की, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके फैंस हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके लिए लोग केक ला रहे हैं, बुके लेकर आ रहे हैं, उन्हें माला पहना रहे हैं, पगड़ी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही भारी जमावड़ा लगा हुआ है उनके कार्यकर्ताओं का, उनके प्रशंसकों का, और साथ ही साथ उन्होंने अपने जन्मदिवस के इस सुअवसर पर पब्लिक को एक सौगात दी है। जो यहाँ का जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये लोग 20 साल से पानी का इंतज़ार कर रहे थे, और आज राघव चड्ढा जी ने पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन कर यहाँ के लोगों को अपने जन्मदिवस के अवसर पर अपने क्षेत्र के लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा दिया है। तो सर आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा, आपके प्रशंसकों का, कितना अच्छा लग रहा है इस अवसर पर। आज बहुत सारे लोग अपना आशीर्वाद और प्यार देने आए मुझे मेरे जन्मदिन पर। मैं सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। और परमात्मा की, भगवान की अपरंपार कृपा है कि इतने लोग अपने परिवार का बेटा मुझे मानते हैं और इतना प्यार कर रहे हैं। स्वराज मीडिया की टीम की तरफ से भी आपको जन्मदिवस की बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद है इस क्षेत्र से, जो कह रहे हैं कि वो यहाँ पर राघव चड्ढा जी को जन्मदिवस की बधाई देने आए, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक रह चुके हैं। तो सर क्या जो माहौल है, कितने खुश हैं आप विधायक जी के जन्मदिवस पर? हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे विधायक जी पूरी दिल्ली में सबसे अलग हैं, अकेले ऐसे विधायक हैं। तो क्या क्या कार्य थे सर जो पहले रुके हुए थे, और राघव चड्ढा जी के विधायक बनने के बाद क्या क्या कार्य संपन्न हो गए? काफ़ी सारे सीवर, सड़कें, गलियां, उनमें काफ़ी टाइम से रुके हुए थे कांग्रेस बीजेपी के राज में, जो राघव चड्ढा जी के आने से पूरे हो गए हैं। आज भी उद्घाटन हुआ है दो लाइनों का। आज जो लाइन का उद्घाटन हुआ है, यहाँ पर कितने सालों से पानी का इंतजार था? ये यहाँ पर पिछले 15-20 सालों से लाइनें नहीं बदली थी, अब दोबारा आज लाइनें बदली जा रही हैं। कुल मिलाकर क्षेत्र के जो लोग हैं वो बहुत ही स्नेह करते हैं अपने विधायक से, बहुत ज़्यादा खुश। हाँ जी, बहुत अच्छा स्नेह करते हैं, और वो हमारे राघव जी को तो सभी पूरी दिल्ली जानती है, पूरा इंडिया जानता है। वो हमारे प्रवक्ता भी हैं, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं, सह प्रभारी भी हैं पंजाब के, और हमारे MLA तो हैं ही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में एक बहुत ही उत्साह का माहौल है, जो यहाँ पर राघव चड्ढा जी को उनके जन्मदिवस की बधाई देने के लिए सब एकत्रित हुए हैं इसी स्थान पर, राजेंद्र नगर में। अब यहाँ पर और भी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। सर आपका नाम? राम दुलारो वर्मा। तो आज यहाँ पर आप उपस्थित हैं राघव चड्ढा जी को जन्मदिवस की बधाई देने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं राघव जी और ज़्यादा लंबी उम्र से जिए, और जितना अच्छा वो काम कर रहे हैं अपने राजेंद्र नगर विधानसभा के लोगों को लिए, वो और तेज़ी से काम करें। और हमारे CM केजरीवाल जी जिस हिसाब से दिल्ली के वासियों को जितनी सुविधाएँ दे रहे हैं आम गरीब लोगों को, इस तरह से अन्य राज्यों में भी हमारा फैलाव हो और इस भारत देश की नसीब बदले। तो आने वाले UP चुनावों में क्या लगता है, आम आदमी पार्टी प्रचंड जीत लेकर आएगी? आने वाले चुनाव में UP में
आम आदमी पार्टी जीत के आएगी, भारी भारी मतों से जीत के आएगी। तो योगी जी का सुपड़ा साफ होने वाला है। योगी जी तो गए इस बार, योगी इस बार गए, योगी जी आने वाले नहीं, क्योंकि यूपी के लोग बहुत परेशान है योगी से। गुंडागर्दी इतनी हो रही है यूपी के अंदर कि सारे यूपी के लोग, किसान से लेकर मजदूर, आम वर्ग के लोग, निचले स्तर के लोग, सारे के सारे परेशान हैं। क्यों? कि वो कोई जमीनी स्तर से कोई काम नहीं कर, खाली उनका नाम मीडिया में चल रहा है। मोदी जी, योगी जी, ये दोनों इस भारत देश को नष्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हैंडमेड पेंटिंग राघव चड्ढा जी के प्रशंसक द्वारा उन्हें दी गई है, जिसमें वह एक छोटे बच्चे के साथ खड़े हैं जो अरविंद केजरीवाल जी की तरह ही मफलर पहनकर, जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में कदम रखा था मफलर पहनकर, टोपी पहनकर, उसी तरीके से उस बच्चे के साथ जब राघव चड्ढा जी ने सेल्फी ली थी तो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी। और आज उसी की एक हैंडमेड पेंटिंग उन्हें उनके ही एक कार्यकर्ता द्वारा भेंट करी गई है। तो हमारे साथ इस समय मौजूद है बेबी मफलर मैन। तो आपका नाम क्या है? योर नेम? तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं है हमसे। वैसे अभी थोड़ा शाय फील कर रहा है ये वैसे, लेकिन जिनसे फ्रैंक रहता है अगर उनसे वो लोग नाम पूछते हैं तो बोलता है अपना नाम अव्यान तोमर केजरीवाल। तो मतलब केजरीवाल सरनेम इसने अपने आप ही ऐड कर लिया है। सर, ये बेबी मफलर मैन बनाने का आइडिया आपको कहाँ से आया? ये तो 2015 में हमारी ये जो बिटिया है तो ये बेबी मफलर मैन बनी थी, और सेम बिल्कुल इसी तरीके से जैसे 2020 में हुआ था, सेम इसी तरीके से 2015 में भी हमारी बिटिया के साथ हुआ था। और सबसे अच्छी बात है, हमें राघव जी के साथ इसलिए मतलब जुड़ाव ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि जो 2015 में थी रामलीला का सेम ग्राउंड था, सेम मंच था, वहाँ पे हमारी बिटिया ने मंच शेयर किया था राघव जी के साथ। और इस बार जो वहाँ पे जो मतलब रामलीला में 2020 में हमारे बेटे ने किया, तो ये कुछ एक मेमोरेबल मोमेंट थे, जिनको मेरी वाइफ आर्टिस्ट हैं तो पेंटिंग करती हैं, तो उन्होंने जब एक होता है कि जो कोई बहुत ही खुशी वाला पल होता है, ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड था, ऐतिहासिक ओथ चल रही थी, तो उस चीज़ को एक आर्टिस्ट क्या करता है कि कोशिश करता है कि उसको जीवंत कैसे किया जा सकता है, तो ये आर्टिस्ट ही कर सकता है। तो ये काम जो अभी आपने देखी है पेंटिंग, ये मीनाक्षी ने सेम डिट्टो हू बहू वो जो एक पल था जो कि बहुत मतलब काफ़ी पॉपुलर हुआ था, काफ़ी हिट हुआ था, तो उसको अपनी इमेजिनेशन से उसको पिक्चर के थ्रू कैनवास पे उतारने की कोशिश करी है। तो मैम, कितना स्पेशल आपको फील हुआ वो पेंटिंग बनाते हुए? इतनी मेमोरेबल जो पिक्चर थी उसको जब आपने यथार्थ किया एक पेपर के ऊपर, कैसा लगा आपको? एक्चुअली वो हमारा एक गोल्डन मोमेंट था और मुझे इतना अच्छा लगा। मैं आम आदमी पार्टी को हम लोग इतना पसंद करते हैं, उनके काम को इतना पसंद करते हैं, मन है कि मैं हमेशा इसी तरीके से अपने पैशन के साथ आम आदमी पार्टी के एक एक पिक्चर एक कैनवस पे उतारूं, हमेशा याद रहे। और मतलब अच्छा लगता है हमें ऐसे आम आदमी पार्टी के लिए काम करना। जब वो पिक जब होती बेबी मफलर मैन की पिक जब वायरल हुई, उस टाइम पर आपके तो मतलब जितने भी रिश्तेदार वगैरह है सबके कॉल आने लगे होंगे, मैसेज कर रहे होंगे हमने फोटो देखी राघव चड्ढा जी के साथ। बहुत खुश थे, मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, उनका क्या हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और जब इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, ऐसी अपॉर्चुनिटी तो मतलब कितने बच्चे हैं उनमें से इसको मिली, सभी बच्चे स्पेशल हैं, और इसको इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब हमारा ऐसा था कि मतलब हम अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे थे कि आम बच्चों में से, मतलब ये आम ही बच्चा है, आम बच्चों में से इसको सेलेक्ट किया, और मतलब हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, बहुत खुश थे। इतना यूनिक आइडिया कि एक बेबी मफलर मैन की तरह रिप्रेजेंट किया जाए, ये आइडिया की इंस्पिरेशन कैसे मिली मैम? सर, ऐसे ही हमें जैसे केजरीवाल सर इतना पसंद है, आम आदमी पार्टी को इतना पसंद करते हैं, तो मुझे लगा कि एक रूप इसको दिया जाए। और ऐसा था कि हमने इसको ऐसे केजरीवाल जी का रूप दिया और इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, और अभी इतना ज़्यादा पसंद करते हैं सभी लोग, इसको लिटिल केजरीवाल जी बोलते हैं, ये अपना नाम खुद भी बोलते हैं, माई नेम इज़ अव्यान तोमर केजरीवाल। हमारे साथ इस समय महिला कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से यहाँ पर मौजूद है, जो राघव चड्ढा जी को उनके जन्म दिवस की बधाई देने के लिए आए हैं। हाँ जी, राधा और निभा जी। तो मैडम, कैसा लग रहा है आपको इतना यहाँ पर, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, इतना अच्छा जमावड़ा लगाया गया है राघव चड्ढा जी को जन्मदिवस की बधाई देने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, और इससे अच्छा नहीं, बिल्कुल घर परिवार के जैसे लगता है, और घर परिवार के जैसे ही ये मिलते हैं और भाई बेटे के तरह रहते हैं। ऐसे कौन से कार्य थे जो पहले रुके हुए थे और राघव चड्ढा जी के विधायक बनने के बाद पूरे हो गए हैं? एमसीडी का पार्क, हमारा पार्क रुका हुआ था कृषि कुंज का, साफ करने का, इन्होंने साफ करवाया।
परसों बोली हूँ डायरेक्टर से परमिशन भी लेके आए, उसके बाद भी इनके साथ बहुत पंगे हुआ, उसके बाद भी सारा सुलटने के बाद 2 घंटे में सारा कार्यालय पूरा कर दिया हमारा। तो क्या बधाई देना चाहेंगे आप लोग इस समय राघव चड्ढा जी? विनोद भाई, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं और इनका जन्मदिन का बहुत बहुत हार्दिक नागिया जी, हर साल इसी तरह फूले फले और हम लोग के बीच में आए, यही हम लोग आज को लेट आए हो भाई साहब, मतलब हमें ना आना पड़े, ये हमारे बीच में आते हैं ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो भारी जमावड़ा लगाया गया था राघव चड्ढा जी के प्रशंसकों द्वारा, उनके जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे उनको जन्मदिवस की बधाई देने के लिए, और बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का जो मौका था, लोगों के चेहरे पर उनके प्रफुल्लित चेहरे दिख रहे थे, कितने खुश थे वह लोग, यहाँ पर केक काट कर अन्य प्रकार के गिफ्ट्स और बुके देकर माला पहनाकर जो राघव चड्ढा जी के हैं उनका स्वागत किया गया, और स्वराज मीडिया की टीम यहीं पर लाइव कवरेज करने के लिए मौजूद थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें बताएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आयुष और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।